सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का पीटू चैनल। दोस्तों आज की स्टूडेंट फाइनेंस बताने वाला हूँ स्पाइज मनी एप्लीकेशन लॉगिन कैसे करेंगे। आज की स्टूडेंट फाइनेंस बताने वाला हूँ, जहाँ से स्पाइज मनी एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे वहीं से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करके बिल्कुल फ्री में आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। अभी बिल्कुल फ्री में आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, आपको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज की स्टूडेंट फाइनेंस बताने वाला हूँ स्पाइज मनी एप्लीकेशन लॉगिन कैसे करेंगे। आज की स्टूडेंट पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें, छोटी रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद लाइक कीजिए। अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पर सेलेक्ट कीजिए वीडियो का नोटिफिकेशन। सबसे पहले देखने के लिए आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा। इसमें ओपन करने के आपको स्पाइज मनी एप्लीकेशन यहाँ पे सर्च कर लेना है। ये स्पाइज मनी एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना, पहले से मैंने डाउनलोड कर लिया। चलिए इसको यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इस तरह का यहाँ पे यूज़र इंटरफेस खुल गया है। देखिए ये आईडी पासवर्ड मेरे यहाँ पे मिल चुका है, मैंने यहाँ पे सबमिट करा था, हमको बिल्कुल फ्री में आईडी पासवर्ड यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। देखिए डिटेल्स सबमिट सक्सेसफुल, जिस डेट को मैंने यहाँ पे ये सबमिट करा था 5/9/2021 5:56 PM मार करा था। यहाँ पे योर एप्लीकेशन इज अप्रूव, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम टू स्पाइज मनी, ये यहाँ पे आधिकारिक आईडी हमको मिल चुका। चलिए यहाँ से मैं लॉग इन टू योर अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से नीचे में देखिए ज्वाइन स्पाइज मनी न्यू ऐप, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए आपको मोबाइल नंबर डालना, मोबाइल नंबर डालकर वहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको भरना पड़ेगा। क्योंकि चलिए यहाँ पे मैं आधिकारिक आईडी डाल देता हूँ, जो मुझे पासवर्ड मिला वो दोनों यहाँ से फिल कर देता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करना, चलिए फटाफट से दोनों चीज़ यहाँ पर मैं फिल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आधिकारिक आईडी डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, अब लॉगिन पर क्लिक करना पड़ेगा। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेजा जाएगा, ओटीपी ऑटोमेटिकली रिटैक कर लेगा। यहाँ पे या वेरीफिकेशन अकाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। लेने के बाद देखिए आपके पास यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुल है। आपको यहाँ पे देखिए थैंक्स योर यहाँ पे मोबाइल नंबर ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। आपको वही पैटर्न रखा, जब भी नेक्स्ट टाइम स्पाइज मनी एप्लीकेशन लॉगिन करेंगे वही पासवर्ड वहाँ पे आपको मांगा जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं एक पैटर्न देता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। वही पैटर्न फिर से डालना है कन्फर्म करने के लिए, कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू पे क्लिक दे थैंक्स योर पैटर्न इज न्यू योर पासवर्ड ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन यहाँ पे आपके पास यहाँ पे खुल के ऑटोमेटिकली आ जाएगी। थोड़ा यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे आन देगा RBL eKYC। आपको यहाँ पे RBL eKYC करना पड़ेगा, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बाद में RBL KYC कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। अगर RBL KYC नहीं कर सकते तो आपका भी अकाउंट कभी सस्पेंस हो सकता है। चलिए यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे RBL eKYC कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको गेट स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे लोडिंग यहाँ पे ऑटोमेटिक ये प्रोफाइल यहाँ पे आपके पास RBL खुल कर आ जाएगी। देखिए आपको देखिए आधार नंबर या वर्चुअल आईडी दोनों में कुछ और डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको आधार नंबर दोबारा से डाल सकते हैं। आपको डेट ऑफ बर्थ डालना, मेल और फीमेल क्या वो डालना, आपको यहाँ पर टिक मार पे क्लिक करना, आपको सबमिट पे क्लिक करना। चलिए फटाफट से दोनों चीज़ यहाँ पे मैं फिल कर दे रहा हूँ। जो फर्स्ट में आधार नंबर डालेंगे, सेकंड में आपको डालना जेंडर से। आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करना, जो आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना। पूरी चीज़ मैंने फिल करके आपको डम्स एक्सेप्ट करना है, सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखिए वेरीफाइड सक्सेसफुल ये हो गया। आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना। ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ये खुल कर आ जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे आपको फिंगर लगाना पड़ेगा। आपके पास यहाँ पे मंत्रा चूज़ करना है, आपको कौन सा मंत्रा या मरफू हो या कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना चाहिए। जैसे मेरे पास मंत्रा सिलेक्ट कर लिया, आपको यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए मेरे फ़ोन के साथ मैंने अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको स्कैन पे फर्स्ट में देखिए आपको टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेना। आपको यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करना पड़ेगा। स्कैन पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे आपको देखिए मंत्रा और RDI सर्विस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे मैं मंत्रा एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये मंत्रा ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना। चलिए इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं इसको। इसके अलावा ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा। ओपन पे क्लिक करने के बाद देखिए ये लोडिंग लेगा। लोडिंग यहाँ पे लोडिंग ले रहा है थोड़ा। ये डम्स को एक्सेप्ट करना, ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देख कैप्चा टेस्ट करने के लिए करा है, इस पर आपको क्लियर लाइट जलने लगा। तो यहाँ पे आपको फिंगर लगाना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ मंत्रा एप्लीकेशन में लाइट चल गई। चलिए मैं इसको फिंगर यहाँ पे लगा लेता हूँ। फिंगर लगाने पर ऑटोमेटिक यहाँ पे ये ले लगा। यहाँ पे देखिए प्लीज वेटिंग, ये यहाँ पे वेटिंग करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आधार कार्ड की पूरी यहाँ पे डिटेल्स आ गया। यहाँ पे देखिए नेम हो गया वेरीफाइड, यहाँ पे पूरी आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा लोडिंग लेगा। देखिए यहाँ पे
ये लोडिंग लेगा। देखिए आपको यहाँ पे आपको देखिए मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जो इस पर मनी के साथ लिंक है। चलिए फटाफट से यहाँ मोबाइल नंबर डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे सक्सेसफुल सेंड योर रजिस्टर मोबाइल नंबर ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी इस बॉक्स में आपको फिल करना है, आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना। चलिए फटाफट से ओटीपी यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। पे क्लिक करने के बाद इस तरह के देखिए यहाँ पे आपको डैशबोर्ड ई केवाईसी सीएसपी और इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। आपको देखिए नीचे में आपको देखिए डम्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर आपको देखिए सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए थैंक्स योर फॉर ई केवाईसी सीएसपी और इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा आपको यहाँ पे। पूरी तरीके से स्पाइज मनी यहाँ पे खुल चुका है। देखिए यहाँ पे इस साइड में देखिए जीरो बैलेंस है, यहाँ से मनी को ऐड कर सकते हैं। ऐड मनी पे क्लिक करें, यहाँ पे मनी को ऐड कर सकते हैं अपने वॉलेट में स्पाइज मनी पे। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज डिश रिचार्ज आप देखिए स्पाइज मनी ATM यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी ये सारा फंक्शन यहाँ पे देखिए मिनी स्टेटमेंट MPOS यहाँ पे ये सब सारा ऑप्शन दिया रहता है यहाँ पे। सो इस तरह से यहाँ पे आप स्पाइज मनी में लॉगिन कर सकते हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, RBL KYC इस तरह से कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। मन में कोई कन्फ्यूजन कमेंट करो, आप नीचे पूछ सकते हैं।